अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब चैनल पर तारिक मतीन आपको खुश आमदीद कहता है यूसुफ रजा गिलानी साहब के साहबजादे की वीडियो आई और उसके बाद में ये सोच रहा था कि यूसुफ रजा गिलानी कैसे सामना करेंगे मीडिया का कैसे सामना करेंगे कैमरों का कैसे सामना करेंगे रिपोर्टर्स का कैसे सामना करेंगे एक आम आदमी का कैसे सामना करेंगे असेंबली के उस स्टाफ का कैसे सामना करेंगे कि जिसकी मौजूदगी में वो वजीर आज़म थे और वजारत उजमा के मनसब पर फायज थे कैसे सामना करेंगे उन लोगों का जिनके सामने वो रोज जाते थे कैसे सामना करेंगे उस ऐवान का जिसकी दीवारों पर जिसकी छत पर आयात कुरानी नश्क हैं जिस इमारत की पेशानी पर कल तैयबा लिखा हुआ उस इमारत में दाखिल होंगे सैनिट इलेक्शन के मौके पर सामना कैसे करेंगे उनका बेटा वीडियो में नजर आ गया उनके बेटे का ख्याल था कि वीडियो सिर्फ इतनी बनी है कि वो वोट जाया करने का तरीका या अब्बा के लिए वोट मांगने की बात कर रहा है तो वो मान गया कि हाँ वीडियो मेरी है फिर उसके बाद वो काशिफ अब्बासी के प्रोग्राम में, में भी बता दिया मजीद वीडियोस दस बजे अरशद शरीफ के प्रोग्राम में दिखाई गई और अर्शद शरीफ साहब ने जब उस पर बात की तो नजर आया कि वो अपने दीगर साथियों के साथ मिलकर वोट खरीद रहा था आठ आठ करोड़ की ये लोग बोली लगा रहे थे बारह वोटों के हिसाब से छियानवे करोड़ तकरीबन एक अरब रुपया ये लोग इस हराम काम में झोंक रहे थे तो मैं ये सोच रहा था कि यूसुफ रजा गीलानी कैसे सामना करेगा वो शख्स जो वजीरजम पाकिस्तान रहा है लेकिन एक तो मैं ये भूल रहा था कि हार चोरी का मामला भी उसी शख्स पर है हज स्कैंडल में उसके बेटे का मुलवस होना भी उसी शख्स का मामला है एफिड्रीन केस में उसके बेटे का मुलवस होना भी उसी शख्स का मामला है एक गाड़ी से एक बंदे के मारे जाने का मामला भी उसी शख्स के बेटे का मामला है मैं ये तो भूल रहा था लेकिन फिर वो कैमरे के सामने आए और गिलानी साहब ने कैमरे के सामने आकर जो बातें की मुझे इस वीडियो में वो आपके सामने रखनी है अली हैदर गिलानी ने वीडियो के बाद आज सुबह जो कहा वो आपके सामने रखना है फिर उसके बाद मोटरवे ज्यादती केस के दो मुजरिमों ने जो कहा मुझे नजर आ गया कि ये बातें क्या हैं ये रवैया क्या है ये हम सब का रवैया हम पाकिस्तानियों का रवैया है और क्या है कुछ सीनियर सहाफियों ने इस वीडियो के बाद जो रवैया अख्तियार किया है वो रवैया क्या है इस वीडियो में मुझे आपसे कहनी है यूसुफा गिलानी साहब कौम असेंबली में आए सहाफियों ने पकड़ लिया आपके बेटे की वीडियो आई है कहने लगे अगर दूसरे लोग उस वीडियो में नजर आ रहे होतेमएनएज तो वीडियो की कोई हैसियत होती फिर उसके बाद कहने लगी ये वीडियो प्लांटेड है वीडियो प्लान्ट मुझे ऐसा लगा कि जैसे मेरे जहन में मीरा की कैप्टन नवीद की वो वीडियो चल गई थी जो सेक्स वीडियो थी और उस वीडियो में वो सब कुछ नजर आ रहा था जो किसी के सामने नहीं होना चाहिए और उसके बाद मीरा ने कहा था कि किसी ने मीरा और कैप्टन नवीद का मास्क लगाया ये प्लांटेड वीडियो है मुझे ऐसा लगा कि गिलानी साहब जो हैं वो बिल्कुल मीरा वाली बातें कर रहे हैं तो गिलानी साहब ने इस वीडियो पर यह कहा इतमान के साथ इतमान के साथ कौमीबली में लोगों के दरमियान थे और कह रहे थे हम जीत चुके मैं हैरान था जब वो कह रहे थे कि हम जीत चुके उसके बाद उनके बेटे अली हैदर गिलानी ने उस शख्स ने कि जो ये खरीदारी कर रहा था जो पैसों की बात कर रहा था किसको कितने मिलेंगे बता रहा था फोन पर रबते करवा रहा था सबूत दिलवा रहा था उस शख्स ने शुभ उठकर इलेक्शन प्रोसेस के मौके पर ट्विटर पे आके लिखा नसरुमिन वफतन करीब ये इस कदर बेशर्मी से काम करते हैं कि अंदाजा ही नहीं होता ये जूतियों समेत आंखों में घुस जाते हैं ये ऐसा समझते हैं कि लोग पागल हैं ये पूरी कौम पागल है इसको जितना चाहो बनाओ ये बनते चले जाएंगे और ये बनते रहे हैं ये इन लोगों के हाथों सिंध में पंजाब में बलूचिस्तान में हमेशा बने हैं और अब एक बार फिर ये सरों पे मुसलत होने को तैयार हैं सवार होने को तैयार हैं और खामोशी है एक अजीब खामोशी है आपने देखा है जब किसी की इज्जत लूट ली जाती है जिना के नतीजे में तो उसके मौके पर हमारी कौम में गलत रवैया है लेकिन रवैया यह है वाल घर वाले मामला दबा देते हैं लड़की को चुप करवा देते हैं कानूनी रास्ता इख्तियार नहीं करते और चुप हो जाते हैं ये जो रवैया होता है ना ये बिल्कुल ऐसा ही रवैया है हमारे लोगों का ये बहुत सारे लोग जो हैं वो बिल्कुल खामोश हैं यह अभी जो खामोश है मैं इनकी बात आपसे करता हूँ लेकिन उससे पहले आप देखिए कि मोटरवे ज्यादती केस की के जो दोनों मुजरिम हैं आबिद मल्ली और शफकत बग्गा इन लोगों ने आज अदालत में सेहत जुर्म से इनकार कर दिया है ये लोग जो पहले मान चुके हैं इन्होंने अदालत में सेहत जुर्म से इनकार कर दिया इन पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई अब एक लंबा प्रोसेस है जो ये चलेगा तो बिल्कुल इसी तरह से आबिद मल्ली और शफकत बग्गा के अंदाज में इस सिस्टम को लूटने के बाद अपनी नाम निहाद जमहूरियत के मोटरवे पर सरेआम इस सिस्टम को लूटने के बाद वोटर की इज्जत लूटने के बाद इस वोट की इज्जत लूटने के बाद इस पार्लियमान का तकदस लूटने के बाद आबिद मल्ली और शफकत बग्गा की जगह ली है अली हैदर गिलानी और यूसुफ रजा गिलानी ने और इन्होंने कहा है कि हम सेहत जुर्म से इनकार करते हैं मरियम नवाज शरीफ साहिबा को देखिए आप इस वाक्य के बाद मरियम नवाज शरीफ साहिबा का ट्विटर खामोश ऐसे जैसे कुछ हुआ ही नहीं बिल्कुल गायब मुस्लिम लीग नून के लोग जो हैं वो अब मुख्तलिफ चीजों पर बात कर रहे हैं इस वीडियो पर मुस्लिम लीग नून गुम हो चुकी है आपको नजर ही नहीं आएगा कि मुस्लिम लीग नून नाम की कोई जमात इलेक्शन में यूसुफ रजा गिलानी को अपना मुश्तर का उम्मीदवार बनाकर सामने लाइए गायब खामोश चुप जमहूरियत के नंबर इकॉनमी के नंबर एक बार फिर अहसन इकबाल साहब को याद आ गए इन लोगों को याद आ गए खामोशें उसके बाद आप आपकी देखिए कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है उसने नोटिस लिया हमारे सामने डस्का में जो कुछ हुआ उसके बाद इंतजामिया के अफसरान को फारिग किया गया वो जो वीडियो सामने आई खैबर पख्तनखा की उसके बाद खामोशी ये जो वीडियो सामने आई उसके बाद खामोशी पाकिस्तान तहरीकी इंसाफ ने दरख्वास्त कि यूसुफ रजा गिलानी को बाहर करें इस पूरे सिस्टम से लेकिन खामोशी कोई आवाज नहीं कोई बात नहीं इसी इलेक्शन कमीशन को सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि रोकें इस करप्शन का रास्ता रोकें लेकिन ये अपने तरीके इख्तियार करेंगे और एक तरीका है एक तरीका है कुदरत का जो अपने तरीके से चलती है जिसने अपनी चाल चली है और इन लोगों को लंगड़ा लूला करके रख दिया ये जीत भी जाए यूसुफ रजा गिलानी जीत भी जाए तो क्या हैसियत रह जाएगी यूसुफ रजा गिलानी की और इस जीत की कुछ देर में हमारे सामने होगा ये जो नतीजा है लेकिन एक नतीजा हमारे सामने और है ये नतीजा जो है वो कुछ लोगों के रवैये की सूरत में है हामिद मीर साहब हामिद मीर साहब ने इस वीडियो के सामने आने के बाद जियो पर बात की और कहा कि ये जो वीडियो है इसमें यूसुफ रजा गिलानी का बेटा अली गिलानी है या नहीं हमें नहीं पता अजीब सी बात है गिलानी का बेटा तो मुझे इस्लाबाद में नजर आया उसने तो मास्क लगाया होता वीडियो में तो मास्क नहीं है और फिर हामिद मीर साहब ने क्या कहा था पहले जरा खुद सुन लीजिए कि हामिद मीर साहब इस बारे में फरमा क्या रहे हैं अब आपको मैं दिखाना चाहूंगा कि तलत हुसैन साहब ये जो है ना ट्विटर पे आए हैं इस वीडियो के बाद खामोशी है गायब है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा वो बता रहे हैं हफीज शेख जो है ना वो रोल मॉडल है हफीज शेख रोल मॉडल है हमारे लिए कि पाकिस्तान से अपनी जायदाद ले जाओ अपना आप ले जाओ बैरून मुल्क काम करो अपनी औलादों को रखो वहां पर पढ़ाओ अपना कुछ पाकिस्तान में ना रखो लेकिन जब मौका मिले तो पाकिस्तान में किसी पर आकर सवार हो जाओ ऐसे लोग हमारे लिए रोल मॉडल हैं सलीम साफ़ी साहब जो हैं वो बलोच कल्चर डे और मुख्तलिफ चीज़ों पर बात कर रहे हैं लेकिन इस वीडियो पर मुकम्मल खामोशी है नजम सेठी साहब करीम बख्श गबोल पर भी बात कर रहे हैं लेकिन नजम सेठी साहब जिन्होंने इस सिस्टम में एक बार वजारत आला का मनसब निगरानी वजीरा के तौर पर संभाला है खामोश है हामिद मीर साहब को ट्विटर पर मैंडक नजर आ रहे हैं कि कमजोर जानवर भी कभी कभी सांप का शिकार कर लेते हैं हामिद मीर साहब को ट्विटर पर मगरमच्छ नजर आ रहे हैं कि वो मछलियों का शिकार कर रहे हैं लेकिन हामिद मीर साहब इस वीडियो पर खामोश हैं इलेक्शन कमीशन खामोशी बस एक अंसार अब्बासी हैं जिन्होंने जुर्रत की और टिका के बात की और कहा कि यूसुफ रजा गीलानी हार चुके अपने बेटे के इस कारनामे के बाद उन्हें चाहिए कि वो इस अमल से बाहर हो जाएं ये हिम्मत इन सबको दिखानी चाहिए थी जो आज फैसल वाउडा ने किया गलत है गलत मुकम्मल तौर पर गलत है वो 2.5 साल दोहरी शहरियत छुपाकर झूठ बोलकर قوم اسمبلی کے رکن رہے اور اب सेनेट में जा रहे हैं गलत है सरासर गलत है गलत को गलत और सही को सही कहना इन लोगों को जो मुझसे सीनियर हैं जिनसे मैंने बहुत कुछ इस फील्ड में सीखा है इन लोगों को भी चाहिए कि गलत को गलत सही को सही कहें खान का गलत गलत मरियम नवाज का गलत खामोशी यह पॉलिसी अगर आप इख्तियार करेंगे तो फिर जो बच्चे आपके साथ करते हैं वही करेंगे ट्विटर पे मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगले वीडियो